नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने बनाया है राहु ग्रह के ऊपर। जी हाँ, राहु जो कि एक चमत्कारी ग्रह है और अभी मेष राशि में स्थित है, परंतु राहु का ट्रांजिट जो कि अक्टूबर 30, 2023 को होने वाला है, वो ट्रांजिट आपकी राशि पर और आपके ऊपर कैसे असर डालेगा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर जो कि है राहु के ट्रांजिट पर। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए नए नए वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का ये वीडियो जो राहु ग्रह के ट्रांजिट पर मैंने बनाया है, राहु ग्रह जो कि एक विस्तार का ग्रह है, प्रेजेंटली ये मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मेष राशि जो कि मंगल देव की राशि है, मंगल देव को सेनापति का दर्जा प्राप्त है और सेनापति के जो गुणधर्म होते हैं, गुस्सा, एग्रेशन, त्वरित एक्शन, साथ ही साथ मेष राशि एक मेल राशि है और चर राशि है, तो ये सारे प्रभाव, जैसा कि कहा जाता है कि राहु देव जिस भी राशि में स्थित होते हैं या जिस भी ग्रह की राशि में होते हैं, साथ होते हैं, उसका प्रभाव ले लेते हैं, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह जब किसी भी राशि में आता है तो वो उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो मेष राशि में स्थित होने की वजह से जो भी लोग इसके प्रभाव में होंगे, उनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, त्वरित एक्शन करना, फास्ट मूविंग, ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने महसूस की होंगी। तो अब शांत होने का समय है, क्योंकि अक्टूबर 30, 2023 को राहु देव मेष राशि से मीन राशि में आने वाले हैं। मीन राशि जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है और गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, हर तरफ अपनी ज्ञान को फैलाने वाले हैं और एक सौम राशि है ये। गुरुदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाती है, कहा जाता है कि वो चीज़ धन्य हो जाती है। तो जब राहु गुरुदेव बृहस्पति की राशि में आएगा तो क्या वो शांत होगा? शांत तो नहीं होगा, क्योंकि राहु का काम है विस्तार करना, फैला देना। तो जब राहु गुरुदेव बृहस्पति की राशि जो कि मीन राशि है, एक वाटरी साइन है, जब इसमें आएगा तो वो ज्ञान को तो फैलाएगा ही फैलाएगा, साथ ही साथ अगर गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में विराजमान नहीं है तो ये आपको कुछ कष्ट भी दे सकता है। तो राहु का जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि से मीन राशि पर, वो आपके ऊपर कैसे प्रभाव डालेगा और आपकी राशि पर किस तरीके से असर डालेगा, आप किस लग्न के हैं, उस लग्न के हिसाब से ही राहु देव का ये ट्रांजिट आपके ऊपर असर डालेगा। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सबके बारे में हम अपने इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये मेष लग्न वालों का चार्ट है। चूँकि यहाँ पर प्रथम भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न हुआ और राहु देव अभी यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, ये राहु देव अभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो राहु देव अभी आपके पहले भाव में स्थित हैं, तो पहला भाव आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी है, आप स्वयं हैं, आपका दिमाग है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, कुल मिलाकर ये पहला भाव केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है। तो राहु देव यहाँ पर मंगल देव की राशि में स्थित होने की वजह से आपको एग्रेशन दिए हुए थे, आपको निहायत ही परेशान कर रहे थे, आपको काफ़ी चीज़ों में एग्रेशन दे रहे थे, गुस्सा दे रहे थे और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता थी उस पर ये कमी ला रहे थे। चूँकि राहु शंका का ग्रह है, राहु हर चीज़ में कन्फ्यूज़न पैदा करता है, राहु विस्तार का ग्रह है, तो ये जो चीज़ें आपको अभी परेशान कर रही थी, अब जब राहु देव का ट्रांजिट मेष से मीन पे होगा तो मीन आपके 12वें घर पे है, मीन राशि आपके 12वें घर पे आई। तो जब राहु देव आपके प्रथम भाव से 12वें भाव पर आएंगे, 12वां भाव आपको ज्ञात होगा कि ये लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, यानी यहाँ से आपके खर्चे देखे जाते हैं, साथ ही साथ ये
आपके इन्वेस्टमेंट का भी घर माना जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो राहु देव यहाँ पर आपको निश्चित ही सहयोग करेंगे। आपके लॉसेस में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपके ऐशो आराम की तरफ आपका होगा, मतलब आप कुछ ऐशो आराम की चीज़ें लेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। परंतु ये जो ट्रांजिट है ये पहले भाव से 12वें भाव पे मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट सिद्ध होगा आपके लिए, चूंकि आपको इसने छोड़ दिया। आपके स्वयं जो कि प्रथम भाव यानी आप स्वयं हैं, तो आपके स्वयं को इसने जकड़ा हुआ था, आपके स्वयं को इसने छोड़ दिया और 12वें घर पर आ गया। 6, 8, 12 पे जब भी कोई पापी ग्रह होता है तो वो अच्छा असर दिखाता है। साथ ही साथ 12वां घर जो होता है वो देशाटन को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है। तो हमारे जो भी भाई बहन विदेश यात्रा के बारे में लालायित हैं, विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे हैं, तो राहु देव का ये ट्रांजिट आपको जरूर सफलता दिलाएगा। अगर आप विदेश की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास को इस ट्रांजिट के बाद बढ़ा दीजिएगा। निश्चित यकीन मानिए आपका ये जो प्रयास होगा वो आपको सफलता देगा। तो राहु देव का ट्रांजिट मेष राशि वालों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो इस तरीके से राहु देव का जो ट्रांजिट है मेष राशि वालों के लिए वो अच्छा साबित होगा। तो चलिए अब बताते हैं मेष के बाद वृषभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा होगा। तो ये वृषभ लग्न की कुंडली बन गई, इसके प्रथम भाव पर 2 नंबर लिखा है यानी कि ये वृषभ हो गए। तो वृषभ लग्न वालों के लिए राहु देव अभी आपके 12वें घर पर बैठे हैं। 12वां घर आपके लॉसेस को दिखाता है, एक्सपेंडिचर को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो राहु देव यहाँ पर ट्रांजिट करके आपके इन सभी चीज़ों पर असर डाल रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत होंगे उनको निश्चित ही सफलता मिल चुकी होगी, और अगर आपको सफलता नहीं मिली तो अब राहु देव आपके 12वें घर से आपके 11वें घर में ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि मेष से ये मीन में ट्रांजिट करेंगे। और ये घर जो है 11वां घर, आपको ज्ञात होगा कि ये लाभ का घर माना जाता है। यहाँ पर जो भी ग्रह आ जाता है, स्थित होता है, वो अच्छा परिणाम देता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है। राहु देव यहाँ पर आपको आकर लाभ देने वाले हैं। राहु से संबंधित ये जिस राशि पर राहु आपके जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उस ग्रह से संबंधित चीज़ें अगर आप करेंगे तो राहु देव निश्चित ही आपको लाभ देंगे। अभी तक वो जो आपको लॉसेस दे रहे थे 12वें घर पर बैठकर, तो लॉसेस देने जो भी लॉसेस उन्होंने दिए हैं उसकी वो भरपाई कर देंगे 11वें घर पर आकर। लाभ के घर पर बैठकर वो आपको निश्चित रूप से ही लाभ देंगे। और आपके जो भी सोशल सर्किल है, चूंकि ये घर जो है वो आपके सोशल सर्किल को भी दर्शाता है, तो आपका जो सोशल सर्किल होगा वो भी काफ़ी बढ़ सकता है। आप सोशल नेटवर्किंग से पैसा कमा सकते हैं, आपके जो जो भी सोशल नेटवर्क हैं उनके थ्रू भी आपको गेन होगा। और ये ट्रांजिट जो है वृषभ लग्न वालों के लिए बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है, चूंकि 11वें घर पर आकर कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम देता है, ये घर ऐसा ही है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट लॉस से लाभ की तरफ बढ़ने वाला है। तो आप लोग खुश हो जाइए, ये ट्रांजिट आपको अच्छा देकर जाएगा और आपको निश्चित ही लाभ देकर जाएगा। तो अब बारी आती है मिथुन लग्न वालों के लिए। तो मिथुन लग्न के लिए ये ट्रांजिट कैसा साबित होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेष और वृषभ के बाद बारी आती है मिथुन की। तो हमारे मिथुन लग्न वालों के लिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा होता है, तो उनका लग्न मिथुन हो गया। तो इस तरीके से आगे के जो ग्रह जो घर होते हैं उनमें इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो अभी आपके राहु देव मेष राशि जो कि आपके 11वें घर पर आती है, तो राहु देव आपके यहाँ पर स्थित हैं और अब वो मीन राशि में आएंगे, यानी कि वो इधर से इधर आने वाले हैं। और ये 10वां घर है, ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस था। 11th हाउस आपके लाभ का ग्रह था, यहाँ पर 11th हाउस आपके लाभ का घर था। यहाँ पर राहु देव ट्रांजिट करके आपको लाभ दे रहे थे। आपके लिए ये मेष राशि का जो ट्रांजिट था वो आपको
आपके लिए अच्छा साबित हुआ होगा, निश्चित रूप से ही आपको लाभ देकर जा रहा होगा। और ये जो ट्रांजिट आपके मेष से मीन यानी आपके 11वें घर से आपके 10वें घर पर जो ट्रांजिट हो रहा है वो ट्रांजिट भी आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि 10वें घर पे जो कि आपके प्रोफेशन का घर है, आपके कर्म क्षेत्र का घर है, वहाँ पर राहु एक काफ़ी अच्छे असर देता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि 10वें घर पर जो कि केंद्र का घर है वहाँ पर राहु देव या कोई भी क्रूर ग्रह जो होता है वो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। तो आपका जो प्रोफेशन है वो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु देव आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ने वाली है, आपको गेंस मिलेंगे, आपको नाम मिलेगा, आपके जो बॉसेस होंगे वो आपसे खुश रहेंगे। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान और आपका जो स्थान है वो बढ़ने वाला है। साथ ही साथ ये जो 10वां घर है वो आपके पॉलिटिकल को भी इफेक्ट को भी दिखाता है। तो अगर आप नेता नगरी में हैं या फिर कुछ ऐसे फील्ड में हो जहां पर पॉलिटिकल अप्रोच है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस ट्रांजिट में आपकी जो भी इच्छाएं थी नेता बनने की या सफल होने की वो निश्चित रूप से सफल हो जाने वाली हैं, क्योंकि राहु देव 10वें घर पर बैठकर आपको निश्चित रूप से ही काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है। तो मिथुन लग्न वाले लोग आप खुश हो जाइए, आपके लाभ के घर से ये आपके कर्म क्षेत्र आपके प्रोफेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में ये आपको एक अच्छी पहचान दिलाएगा, एक आपको अच्छा स्थान दिलाएगा, आपको सम्मान दिलाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजिट राहु देव का मेष से मीन की तरफ मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छा होगा। तो अब मिथुन लग्न के बाद बारी आती है कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न यानी कि इसके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रदेव हैं। अब हम देख लेते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा साबित होने वाला है। तो कर्क लग्न वालों के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा होता है, उसके बाद बारी आती है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो कर्क लग्न की कुंडली में राहु देव अभी आपके 10वें घर पर विद्यमान थे। 10वां घर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 10वें घर में राहु देव एक अच्छा परिणाम देते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता दिलाते हैं। यहाँ पर कुल मिला के राहु देव का जो पोजिशनिंग होती है वो एक अच्छी पोजिशनिंग होती है, आपको सफलता देते हैं, आपको सम्मान दिलवाते हैं, कार्य क्षेत्र में आपका नाम सम्मान बढ़ाते हैं। तो अब राहु देव आपके 10वें घर से मूव करके आपके 9वें घर पर जाने वाले हैं। 9वां घर आपको ज्ञात होगा कि ये आपके भाग्य का स्थान होता है, साथ ही साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी स्थान होता है, आपके साथ ही साथ ये स्थान होता है आपके लक का। ये एक त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण का भाव होने की वजह से ये आपकी कुंडली में सबसे अच्छा भाव माना जाता है। तो राहु देव आपके 10वें घर से आपके 9वें घर में आने वाले हैं। 9वें घर में आकर ये दूसरे ग्रहों की एस्पेक्ट या दूसरे ग्रहों की पोजिशनिंग पे डिपेंड करता है कि ये असर कैसा देंगे, परंतु ये जो ट्रांजिट है वो 10वें से जो आपके 9वें ट्रांजिट होगा आपके भाग्य के स्थान पर आएगा, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भाग्य का क्षेत्र है, भाग्य का घर है। और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की जो राशि आती है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि आती है। 9 नंबर की राशि यानी कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि आती है, और यहाँ पर राहु देव जब आते हैं तो वो आपके धर्म को, आपके लक को, आपकी उसको ये बाधाएं पहुंचाते हैं, क्योंकि राहु देव को धर्म कर्म में यकीन नहीं है। राहु तो एक ऐसा ग्रह है जो कि लीक से हटकर काम करने वाला है। तो यहाँ पर जब वो ट्रांजिट करेगा तो आपके पूजा पाठ में, आपके कर्म धर्म में ये आपको रुकावट डालेगा, आपको विघ्न पहुंचाएगा। आपका जो लक था जो कि अभी तक आपको राहु का ट्रांजिट आपको अच्छे असर दे रहा था, वो जैसे ही आपके भाग्य के भाव पर राहु बैठेगा तो वो आपको कम
असर अच्छा दे पाएगा। यहाँ पर आकर राहु देव जो हैं वो आपके भाग्य को रोक देंगे, आपका जो कर्म है उसको ये रोक देंगे, आपका जो धर्म है उसमें ये आपको बाधाएं पहुँचाएंगे। आप जब मंदिर जाओगे तो आपका मन होगा कि मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ के निकल लें, भगवान के दर्शन भी मत करें, ऐसी भी भावनाएं यहाँ पर राहु आकर ट्रांजिट आपको देगा। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा साबित नहीं होने वाला है। आप लोग थोड़ा सा धर्म में थोड़ा ज़्यादा झुकिएगा और यहाँ पर जो भी ग्रह हैं उनकी पूजा पाठ करिएगा, भोले बाबा की आप पूजा करते रहिएगा और किसी भी तरीके से धर्म को अपने से दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि राहु यही कराता है, आपको धर्म से दूर कराता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कराता है और फिर आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो कर्क लग्न वालों के लिए ट्रांजिट है वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि अभी ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा था, आपके 10वें घर पर बैठकर ये आपको अच्छा साबित हो रहा था। तो अब चलिए इसके बाद बारी आती है कर के बाद सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न वाले लोग जो अभी तक हमारे साथ बैठे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न वालों के लिए 5 नंबर उनके प्रथम भाव पर लिखा होता है, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 राशियों का अरेंजमेंट होता है। तो अभी राहु देव आपके 9वें घर पर बैठे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 9वां घर जो होता है आपके धर्म कर्म का होता है, आपके लक का होता है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का होता है, आपके डीएनए का होता है। और वैसे भी सूर्य और चंद्र के लिए राहु कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य और चंद्र ही राहु के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। अगर प्लैनेट्स में देखा जाए तो सूर्य और चंद्र ही राहु के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये जो मेष राशि में ट्रांजिट था राहु देव का, अभी भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं था, क्योंकि इसने आपके लक को बाधित किया हुआ था, आपके जो भी धर्म कर्म था उसको इसने बाधित किया हुआ था, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा होगा जैसे ही ये ट्रांजिट चालू हुआ होगा। परंतु अब जो ये राहु का ट्रांजिट है 9वें से ये 8वें पे आने वाला है, यानी मीन मेष से मीन पे जो राहु देव आने वाले हैं आपके 9वें घर से 8वें घर की तरफ आने वाले हैं। तो 8वां घर भी अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु चूंकि ये क्रूर ग्रह है और 8वां घर जो होता है वो आपकी आयु को दिखाता है, आपके जो हिडन चीज़ें होती हैं उसको दिखाता है, आपका अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, अगर आप किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं या कोई भी ऐसा फील्ड जो कि छिपा हुआ है, हिडन है, लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो कि एक रहस्यात्मक चीज़ है, अगर आप उस विषय से जुड़े हुए हैं तो राहु का ये ट्रांजिट आपके लिए बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं जो कि रॉ वगैरह के एजेंट्स होते हैं, या जो भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या जो भी जो अकाउंटिंग वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं जो कि सीएस हैं, उन सब के लिए ये ट्रांजिट बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है। और इनके अलावा जो भी दूसरे लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर राहु जो है आकर आपको एक्सीडेंट भी करवा सकता है, आपको सडन लॉसेस भी दिलवा सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपका दिमाग जो है वो इतना परेशान कर देगा इस समय ये ट्रांजिट में कि आप जो हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो निश्चित ही आप परेशान मत होइए, मैं आपको उपाय बताऊंगा। आप उपाय ये करिए कि आप इस दौरान जो ट्रांजिट होगा राहु देव का मेष से मीन में सिंह लग्न वालों के लिए, आप इस दौरान कोई भी पुराना जो धर्म ग्रंथ है, शिव पुराण है, गीता है, कोई भी पुराण है ऐसा, उसका अध्ययन कर लीजिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा 10-15 मिनट डेली अगर आप पढ़ने लगेंगे तो ये जो राहु देव का ट्रांजिट है वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। या फिर जो लोग जैसा मैंने बताया जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, सीएस हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या बैंकिंग में जो जुड़े हुए हैं सीएस हैं, उनके लिए तो ये ट्रांजिट आपको इतने गेन दे के जाएगा, आपको इतने सडन गेंस दे के जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये ट्रांजिट तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ और
अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने रेमेडी आपको बता दी है, आप लोग क्या करिए और ये जो ट्रांजिट है ये आपका निकल जाएगा। वैसे ये ट्रांजिट जो है सिंह लग्न वालों के लिए भी अच्छा साबित होने वाला नहीं है। अब बात ही आती है सिंह लग्न के बाद कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न वाले जो लोग भाई लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो सभी भाई और बहनें हमारे साथ अभी तक इस वीडियो में हमारे साथ सहयोग बनाए हुए हैं, उनकी बारी आती है। तो अब हम कन्या लग्न वाले लोगों के चार्ट के ऊपर आते हैं। तो कन्या लग्न वाले चार्ट में आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर 6 नंबर लिखा होता है, तो वो कन्या लग्न बन जाता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कन्या लग्न का चार्ट बन गया। अब कन्या लग्न में राहु देव अभी मेष राशि में स्थित हैं, तो मेष राशि यानी कि ये 8वें घर में स्थित हैं, और ये कहाँ जाने वाले हैं, मीन पे जाने वाले हैं, यानी कि 8वें घर से आपके 7वें घर पे जाने वाले हैं। तो 8वां घर अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो कि इस तरीके की किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग अकाउंटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये ट्रांजिट जो मेष राशि में था कन्या लग्न वालों के लिए, वो एक ट्रांजिट अच्छा जा रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम डैट जो दूसरे प्रोफेशंस में हैं उनके लिए ट्रांजिट बेहद ही नुकसान भरा होगा, बेहद ही उनको तकलीफें दे रहा होगा। तो आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि अब राहु देव जो हैं वो मेष से मीन यानी आपके 8वें घर से आपके 7वें घर पर जाने वाले हैं। यहाँ पर आकर ये जो 7वां घर है ये आपके स्पाउस का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आपके डेली इंटरेक्शन का है, इन सब चीज़ों पे वो असर डालने वाला है। परंतु आपको जो मानसिक परेशानी दे रहा था, आपको जो तकलीफें दे रहा था, उन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है इस ट्रांजिट, जो कि अक्टूबर 30, 2023 को होने वाला है 1:33 पर, वो आपको ये बाधाओं से मुक्ति मिलने वाली है। आपकी स्पाउस के साथ आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपके जो लव अफेयर्स हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, आपका जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है वो बढ़ सकता है, आपका जो डेली इंटरेक्शन है उनसे थोड़े से आपके जो हैं वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि राहु देव जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, और जिस जगह पर बैठते हैं उससे अटैचमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बैठकर वो, चूँकि राहु देव सीधे अटैचमेंट नहीं दिखाता, मतलब ये घर है आपके स्पाउस का, तो आपके स्पाउस से अटैचमेंट नहीं दिखाएगा, वो स्पाउस से अलग हटकर जो कोई दूसरा आपका फीमेल आपकी सहपाठी है या आपका जो कलीग है फीमेल, उसके प्रति आपको अट्रैक्शन दिखाएगा, तो आप उसके प्यार में थोड़ा सा पड़ सकते हैं। तो सावधान रहिए, थोड़ा सा अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहिए, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए अच्छा साबित होगा, और निश्चित रूप से आपकी जो बाधाएं थी, आपकी जो तकलीफें थी, वो दूर होने वाली हैं इस ट्रांजिट के दौरान। तो अब कन्या लग्न के बाद बारी आती है तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न वाले जो लोग अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और अब हम तुला लग्न की बात करते हैं। तो तुला लग्न के लिए 7 नंबर यहां पर लिखा होता है, उसके बाद आता है 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो तुला लग्न वालों के लिए अभी राहु देव जो हैं उनके सप्तम भाव पे ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस, और 7th से ये जाने वाले हैं मीन पे यानी आपके 6th हाउस पे जाने वाले हैं। तो ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि 7th हाउस जो होता है वो आपके स्पाउस का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है, डेली इंटरेक्शन का होता है, अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं तो उसके लिए भी होता है। तो जो राहु का ये ट्रांजिट था ये आपको इस तरीके के असर दे रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि राहु जहाँ पर बैठता है उस चीज़ से आपको अटैचमेंट करवा देता है, परंतु अटैचमेंट थोड़ा सा हट के अटैचमेंट होता है, मतलब एक जो हमारी परंपराएं हैं उस से ये थोड़ा हट के चलता है। तो आपकी जो पत्नी है जो कि एक परंपरा है उससे आपको अटैचमेंट नहीं दिखाएगा, आपकी जो अलग जो कलीग्स वगैरह हैं सहपाठी हैं उनके साथ आपका अटैचमेंट थोड़ा सा इस पीरियड में आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, और आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ वो भी जो है थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा होगा। तो अब उस कन्फ्यूज़न से निकल कर ये राहुदेव जो हैं आपके 6ठे भाव पर आने वाले हैं। 6ठा भाव आपको ज्ञात होगा कि रोग, ऋण, रिपु यानी तीनों तरीके के दोषों वाला होता है, परंतु यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह आकर आपको अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि राहु देव जो है वो मायावी हैं,
मायावी ग्रह है। तो जब राहु देव आपके शत्रु के स्थान पर बैठेगा तो क्या होगा, आपके शत्रु जो हैं वो मायावी हो जाएंगे, छिपे हुए हो जाएंगे। आपका शत्रु कौन है ये आपको ज्ञात नहीं होगा कि शत्रु आपके अच्छे हैं कि खराब हैं, और वो मायावी रहेंगे, छिपे हुए होंगे, आपके पीछे बैठा होगा, परंतु आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपका शत्रु है कि मित्र है। तो इस तरीके से आपको ये शत्रुता देता है। आपके जो सर्विस क्षेत्र है, उस सर्विस क्षेत्र में अगर आप किसी भी तरीके की इसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां पर कि आपको राहु देव सपोर्ट कर सकते हैं, तो जो तुला लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट है, सातवें से छठे घर में आने वाला है, तो वो आपको रोग, ऋण, रिपु ये तीनों देने वाला है। तो आपके लिए ये ट्रांजिट कम अच्छा साबित होने वाला है। आपके मायावी शत्रु, आपके छिपे हुए शत्रु पैदा हो जाएंगे, आपकी छिपी हुई बीमारियां हो जाएंगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे परंतु डॉक्टर जान नहीं पाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है, और आपके जो आपके कर्जे होते हैं, इस समय आप कर्जा मत लीजिएगा। अगर आप कर्जा लेंगे तो वो कर्जे का काफ़ी विस्तार हो जाएगा इस ट्रांजिट के दौरान, चूंकि राहु विस्तार को दिखाता है, तो ये इस समय अगर आपने कर्जा लिया तो उसका विस्तार होना तय है। तो तुला लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है सातवें से छठे में वो अच्छा साबित नहीं होने वाला है। और अब बारी आती है हमारे वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न जो कि मंगल देव का ही लग्न माना जाता है, तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ, तो आपका वृश्चिक लग्न बन गया। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बन गई। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु देव अभी आपके छठे घर पे बैठे हुए हैं। अब छठे घर से ये कहाँ जाने वाले हैं, मीन राशि पे, यानी कि आपके पांचवें घर पर जाने वाले हैं। तो छठा घर, जैसे मैंने आपको बताया कि रोग, ऋण, रिपु तीन तरीके का घर है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको ये उतना परेशान नहीं कर रहा होगा, परंतु अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं तो यहाँ पर राहु देव का ये ट्रांजिट जो वृश्चिक लग्न वालों के लिए है वो काफ़ी आपको परेशानी दे रहा होगा। आपको ऐसे ऐसे शत्रु दे रहा होगा कि आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये आपके शत्रु हैं कि मित्र हैं, क्योंकि मायावी ग्रह है, तो मायावी टाइप के शत्रु आपके इसने पैदा कर दिए होंगे इस ट्रांजिट के दौरान। और आपका जो रोग है वो भी ऐसे रोग हो रहे होंगे कि आपको पता नहीं चल पा रहा होगा। डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर पता नहीं लगा पाता होगा, सारे टेस्ट करा लेता होगा डॉक्टर, परंतु आपका जो रोग है वो पता नहीं लगा पा रहा होगा इस ट्रांजिट के दौरान। साथ ही साथ अगर आपने कर्जा ले लिया तो वो कर्जा ऐसा बढ़ जाएगा इस ट्रांजिट के दौरान कि आप परेशान होने वाले। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट जो मेष में वृश्चिक लग्न वालों के लिए था वो अच्छा साबित नहीं हो रहा होगा। और अब ये जो ट्रांजिट हो रहा है मेष से मीन, यानी आपके छठे घर से पांचवें घर, पांचवां घर जो कि एक त्रिकोण का घर है, आपके बच्चों का घर है, आपकी ज्ञान का घर है, आपकी प्रतिभाओं का घर है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तो वहां पर राहु आता है। तो कुल मिलाकर राहु वहां पर भी उतना अच्छा परिणाम नहीं देता, परंतु छठे घर से वो अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यहां से वो किसको देख रहा है, आपके 11वें घर को देख रहा है। 11वां घर जो कि आपके लाभ का घर है, वहां पर ये देखकर आपको यहां से लाभ देगा। अगर आप 12वें घर से जुड़े हुए कोई भी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, बायोटेक जैसे जो फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, चूंकि राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मेसी है, या फिर फिल्म मीडिया है, जो भी लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए ट्रांजिट बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपके जो बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये ट्रांजिट अच्छा साबित नहीं होने वाला, परंतु ओवरऑल अभी जो मेष राशि में स्थित था ये राहु देव, उससे ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप फार्मा फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा फील्ड जो राहु से रिलेटेड है, अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं, या फिर आप क्रिएटिव हैं, तो ये ट्रांजिट आपको बेहद ही अच्छे लाभ दे के जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अपार्ट फ्रॉम अदर, ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी ये छठे से पांचवें में आ रहा है। तो कुल मिलाकर पहले से तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी ही साबित होंगी। तो अब बारी आती है वृश्चिक के बाद धनु लग्न की। तो धनु लग्न वाले लोग जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। धनु लग्न के लिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा होता है, और 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अभी जो राहु देव हैं वो आपके पांचवें घर पर हैं, और पांचवें घर से ये आपके कहाँ आ जाएंगे, आपके चौथे घर पर।
तो चौथे घर पर आकर ये आपका सुख का घर है। तो पहले मैं बता देता हूँ, तो पांचवें घर पर जैसे मैंने बताया कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मा फील्ड से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मा से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम कर रहे हैं जो कि राहु से जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा होगा धनु लग्न वालों के लिए। मेष राशि में जब राहु का ट्रांजिट हुआ तो आपको उसने अच्छे परिणाम दिए होंगे, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो एक लेवल पर पहुंच चुकी होगी। परंतु अब जो ये ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को 1:33 पर होने वाला है, वो आपके पांचवें घर से चौथे घर पर, फिफ्थ हाउस टू फोर्थ हाउस ये मूव करेगा। फोर्थ हाउस जो कि आपके माता का है, आपकी सुख का है, आपकी पढ़ाई लिखाई का है, और आपके घर पर किस तरीके का माहौल रहेगा उसका है, तो ये यहाँ पर आकर आपको घर से दूर कर देगा सबसे पहले, क्योंकि राहु जो है वो उसको घर पसंद नहीं, उसको घर से बाहर, चूंकि राहु पुराने जमाने में जो राहु को देश निकल, राहु मतलब देश निकाला, तो आपके यहाँ पर ट्रांजिट करते ही आपका घर से आप बाहर जाना पड़ सकता है आपको। आपके जो घर में जो सुख सुविधाएं थी उनमें आपको कमी महसूस होने लगेगी, आपके घर में आते ही लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, आपकी माता के साथ आपके डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, और जो पढ़ाई लिखाई थी, जो बच्चों के अगर कुंडली में ऐसा आ रहा है इस दौरान ट्रांजिट, तो उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है, उनका मन जो है पढ़ने लिखने पर नहीं लगेगा और वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम पैदा करता है। तो राहु का ये जो ट्रांजिट है धनु लग्न वालों के लिए 5 नंबर से 4 नंबर पे, वो कम अच्छा साबित होने वाला है। और अब बारी आती है मकर लग्न की, धनु के बाद मकर जो कि शनि देव का लग्न है उसकी बारे में हम बात करते हैं, बता देते हैं। और मकर लग्न यानी यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मकर लग्न वालों के लिए जो राहु का ट्रांजिट था अभी चौथे घर पर, जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर राहु देव जो है वो अच्छा परिणाम नहीं देते, आपकी माता से डिफरेंसेस पैदा करते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में डिफरेंसेस पैदा करते हैं, आपके घर में जो आपके लिए जो आपके आराम करने की चीज़ें होती हैं उसमें ये परेशानियां पैदा करते हैं आपको। तो ये जो ट्रांजिट था अभी आपका मेष राशि पे, उससे हटके ये ट्रांजिट होने वाला है आपके तीसरे भाव पर, और तीसरे भाव पर राहु देव जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं, और यहाँ पर ये आकर आपके अंदर, चूंकि तीसरा घर क्या है आपके साहस का है, आपकी भुजाओं का है, आपका हिम्मत का है, तो यहाँ पर आकर राहु देव जो कि एक दैत्य ग्रह हैं वो आपको हिम्मत देते हैं, आपको चीज़ों से लड़ने की क्षमता देते हैं। और ये सोशल मीडिया का भी है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी है, आपके भाई बहनों का भी है, तो भाई बहनों से आपको ये थोड़े डिफरेंसेस दे सकते हैं, परंतु आपके जो इफ़र्ट हैं, आपकी जो हिम्मत है, उसमें ये एक बूस्ट ले आएंगे, और आप देखोगे कि अभी तक जो आप एक निष्क्रिय से पड़े हुए थे, आप एकदम से खड़े उठ खड़े हो गए और आप कहोगे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं एवरेज भी फतेह कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ही जो ट्रांजिट है वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो अब बारी आती है मकर के बाद कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए, कुंभ लग्न भी शनिदेव का ही लग्न है और यहाँ पर 11 नंबर राशि लिखी होती तो वो कुंभ लग्न बन जाता है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी आपकी मेष राशि में ये तीसरे भाव पर ट्रांजिट कर रहा है, अब तीसरे भाव से ये आने वाला है मीन राशि यानी कि दूसरे भाव पर आने वाला है। तो तीसरे भाव में जैसे मैंने बताया कि राहु तीसरे घर पे अच्छा परिणाम देता है, आपके अंदर एक इफर्ट, आपके अंदर एक साहस देता है, तो अभी तक आपके अंदर जो एक एनकरेजमेंट था किसी भी चीज़ को करने का, एवरेज भी फतेह करने का, जो आपके अंदर एक साहस था वो साहस अब थोड़ा सा कम पड़ जाएगा इस ट्रांजिट के दौरान, जो कि 1 अक्टूबर 30, 2023 से होने वाला है। आपके साहस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं इस दौरान, तो वो इस ट्रांजिट में भी आपको पैसा कमाने में सोशल मीडिया से थोड़े से परेशानी आ सकती है, क्योंकि राहु तीसरे से दूसरे घर में आ रहा है, दूसरा घर भी धन का घर माना जाता है, आपके कुटुंब का घर माना जाता है, तो यहाँ पर और आपके भोजन के प्रति, तो यहाँ पर जैसे ही राहु आएगा तो आपको भोजन, आपको एकदम से खाना खाने का शौक आ जाएगा, विभिन्न तरीके के खाने, जो कि आप जैसे साउथ इंडियन हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन खाना खाने का शौक पैदा कर देगा, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आपको साउथ इंडियन खाना अच्छा लगने लगेगा, और आप फूडी हो जाओगे इस दौरान जब ये ट्रांजिट होगा मेष से मीन में।
कुंभ लग्न वालों के लिए, आप इस दौरान फूडी हो जाओगे, आपके मुंह से जो चूंकि ये वाणी का भी घर है तो आपकी जो वाणी हो जाएगी वो बेहद ही खराब हो जाएगी। एक तरीके से कहेंगे कि आपके मुंह से आपको कुछ नहीं बोलना है फिर भी आप वो चीज़ बोल दोगे तो सामने वाले से आपके जो व्यवहार हैं वो थोड़े खराब हो जाएंगे। और कुल मिला के ये कुटुंब के लोगों से ही आप अपने बोलने वाले हैं, आपके जो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे कुटुंब वालों से चूंकि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल आएंगे कि उन लोगों को खराब लग जाएगा। भाई मान सम्मान दोगे तभी मान सम्मान मिलेगा, और राहु आके यहाँ पर आपसे वो मान सम्मान करवाना छोड़ देता है क्योंकि राहु लीक से हट के काम करने वाला है। तो यहाँ पर आकर आप फूडी बन जाओगे, आपको धन मिल सकता है, आपको धन से संबंधित चीज़ों को चूंकि राहु अटैचमेंट है तो आपको धन के प्रति एक अटैचमेंट हो जाएगा और आप फूडी हो जाओगे और आपका जो वाणी है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट जो है कुंभ लग्न वालों के लिए वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा और ख़राब भी नहीं है, एक एवरेज ट्रांजिट रहेगा। अब बारी आती है आखिरी लग्न की, मीन लग्न की, और मीन लग्न वाले जो भी भाई बंधु लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। और अब हम आखिरी लग्न यानी कि मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न यानी 12 तो अभी आपके जो राहु हैं वो मेष राशि पे पहले घर पर हैं। अब पहले घर से ये मीन राशि पे आने वाले हैं यानी आपके दूसरे घर से आपके ये पहले घर पर आने वाले हैं। तो दूसरे घर में अभी मैंने आपको परिणाम बताया कि ये आपको फूडी बना देता है, आपकी जो वाणी है उसमें एक एक कटुता ले आता है, आप ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो आप बोलना नहीं चाहते परंतु अपने कुटुंब वालों से बोल देते हैं जिससे कि वो लोग आपसे लड़ाई झगड़ा आपको अपना आपको आपके साथ उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ ये आपको धन के प्रति अटैचमेंट इतना करवा देता है कि आपको हर तरफ सिर्फ धन ही धन दिखता है। तो ये ट्रांजिट अभी आपके लिए ऐसा साबित हो रहा था परंतु अब ये 12वें दूसरे घर से आपके पहले घर पे आने वाला है मीन राशि पर। तो पहले घर में आते ही पहला घर यानी आप खुद स्वयं, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, आपका जो एक फिजिक है उस पे राहु ट्रांजिट करने वाले हैं। तो जब राहु आपके पर्सनालिटी पर आपके ऊपर खुद ट्रांजिट करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो जाएगी, आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप को सोचना पड़ेगा यार मैं क्या करूं, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूं, मेरे अंदर क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता है। तो इस तरीके के कंफ्यूजन जो हैं वो राहु देव के इस ट्रांजिट से आपको क्रिएट होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर एक ज्ञान के प्रति ललक बढ़ जाएगी क्योंकि मीन राशि जो है वो गुरुदेव बृहस्पति की है और वो ज्ञान की राशि है और ज्ञान की राशि के साथ साथ ये वाटरी राशि है। और यहाँ पर राहु देव जो आएंगे वो खुद के अंदर अटैचमेंट, आपको खुद से इतना प्यार हो जाएगा कि आपको अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देगा परंतु आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहेंगे। इस तरीके से ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए असर दिलाएगा। तो ये तो हो गए राहु देव का जो ट्रांजिट है 30 अक्टूबर 2023 को 1:33 पर मुंबई के हिसाब से मैंने ये टाइम देखा है और मुंबई के हिसाब से टाइम लिखा है तो आप लोग अपने अपनी शहरों के हिसाब से उस टाइम को देख लीजिएगा। तो मैंने सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर लग्न वाले के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है राहु देव के ट्रांजिट जो कि मेष से मीन पर होने वाला है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो केतु देव जो कि अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर, तो केतु देव के इस राशि परिवर्तन से आपके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके मैं मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं केतु देव की राशि परिवर्तन के ऊपर। तो केतु देव जो कि तुला राशि में स्थित हैं परिवर्तन कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो राहु और केतु वक्री चलते हैं यानी कि आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे चलते हैं और
एक डिग्री से लेकर दो डिग्री ना चलकर ये 30 डिग्री से वापस चलते हैं एक डिग्री की तरफ। तो अभी प्रेजेंट में ये तुला राशि में विद्यमान हैं। तुला राशि से जब इनकी राशि परिवर्तन होगी तो ये तुला से वृश्चिक न जाकर तुला से कन्या राशि की तरफ चलेंगे। तो कन्या राशि की तरफ ये जाएंगे तो आपकी लग्न पर केतु देव के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के बारे में। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है और जो मेरा ये इलुस्ट्रेशन है आज का, वो आपके लग्न के ऊपर है, राशि के ऊपर नहीं। तो इसको आप अपने लग्न से देखिएगा, लग्न से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं केतु देव की राशि परिवर्तन से। तो केतु देव अभी तुला राशि में विद्यमान है। तुला राशि जो कि 7 नंबर की राशि होती है, यहाँ पर केतु देव अभी विद्यमान है। तो केतु देव यानी 7 के बाद यहाँ पर आएगा 8, 9 और यहाँ आएगा 6, 5, ऐसे करके सभी राशियाँ व्यवस्थित होती हैं। तो केतु देव अभी तुला राशि पर बैठे हुए हैं। अब केतु देव चूंकि उल्टा चलते हैं तो ये यहाँ न जाकर यहाँ आएंगे, तो अब केतु देव कन्या राशि में आ जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो एक एक लग्न को हम समझाते हैं कैसे केतु देव की इस राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय होंगे, वो भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लग्न के जातकों से। यहाँ पर मेरा जो अभिप्राय है वो लग्न से है, राशि से नहीं है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो सब लग्न से दे रहा हूँ। तो मेष लग्न वाले, अब आप देखिए, तो मेष लग्न वालों के लिए केतुदेव अभी उनके 7वें घर पर बैठे हुए हैं। तो 7वें घर पर बैठे होने की वजह से केतु देव ने आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपका जो लोगों के साथ डेली इंटरेक्शन था उससे आपको काट के रखा होगा। आपके स्पाउस के साथ आपकी नहीं बन रही होगी, अक्सर आप लोगों के बीच में मनमुटाव रह रहा होगा। अगर आपका स्पाउस, आपकी स्पाउस धार्मिक प्रवृत्ति की है तो फिर ये मनमुटाव नहीं हो रहा होगा। अगर वो धार्मिक नहीं है, पूजा पाठ में उतना यकीन नहीं रखती है, तो निश्चित ही ये समय आपके और आपके स्पाउस के बीच में अत्यंत ही खराब जा रहा होगा। तो अब आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि केतु देव अब आपके 7वें भाव से 6ठे भाव पर आने वाले हैं। 6ठा भाव जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है, रिपु का होता है, 3 तरीके के दोषों का होता है, आपकी सर्विस का होता है, आपके डेली रूटीन का होता है। तो केतु देव आपके 7वें घर से उठ के आपके 6ठे घर में आ गए, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप अगर अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपका जो भी लोन होगा वो आपका चुकता हो जाएगा। आपको कुछ बीमारियों ने घेर रखा होगा तो इस समय में आपको वो बीमारियां छोड़ देंगी। आपके जो शत्रु होंगे वो सब आपको छोड़ के भाग जाएंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे। तो मेष लग्न वालों के लिए ये जो गोचर होगा वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। परंतु आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, चूँकि ये जो हाउस है वो डेली रूटीन को दिखाता है, तो आप अपने डेली रूटीन को अच्छा करके चलिएगा, नहीं तो फिर ये गोचर जो है आपको परेशान करेगा। चूँकि केतु देव यहाँ पर जब बैठेंगे तो उनको आपका डेली रूटीन अच्छा चाहिए। आप लोगों की सेवा भी करें, आप जितना लोगों की सेवा करेंगे उतना ही केतु देव यहाँ पर बैठ कर आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो इस तरीके से मेष लग्न वाले जातकों के लिए केतु देव का जो राशि परिवर्तन है तुला से कन्या की तरफ, वो एक अच्छा गोचर साबित होने वाला है। अब बारी आती है वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न में अभी केतु देव कहाँ पर बैठे हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो वृषभ लग्न में केतु देव अभी 6ठे घर में बैठे हुए हैं। तो 6ठे घर में बैठकर वो आपको अच्छा परिणाम दे रहे होंगे। आपको रोग, ऋण, रिपु, इन
तीनों समस्याओं से इस समय छुटकारा मिला होगा। आपके जो लोन होंगे वो कुछ कम हुए होंगे, आपकी जो बीमारियां थी वो कुछ कम हुई होंगी, आपके जो शत्रु थे वो आपको छोड़कर भाग गए होंगे, आपसे डर रहे होंगे। और अगर आप डेली रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे इस पीरियड में, तो केतु देव ने इस गोचर में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिए होंगे। तो अब केतु देव आपके छठे घर से आपके पांचवें घर की तरफ बढ़ रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये पांचवा घर जो होता है वो आपकी संतान का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके एंटरटेनमेंट का होता है, आपके कुछ एक्सप्लोरेशन का होता है, आपके कुछ एक्टिविटीज़ का होता है। तो जब केतु देव पांचवें घर में आएंगे तो वो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। आपको संतान से संबंधित कुछ समस्या दे सकते हैं। अगर आपकी संतान होने वाली है इस पीरियड में तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आप अगर कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं इस पीरियड में तो आपको उसमें कुछ समस्या आ सकती है। आपका जो इंटरटेनमेंट हो रहा होगा उसमें कुछ समस्या आ सकती है। परंतु ये स्थान चूंकि एडवाइस का भी होता है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एडवाइस किसी को देंगे या फिर कुछ ऐसी एडवाइस देंगे जो कि अपने स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, अपने माइथोलॉजी से संबंधित है, तो फिर केतु देव यहाँ पर बैठकर आपको अच्छा परिणाम देंगे। आपके मुंह से जो भी शब्द निकल जाएंगे वो सत्य हो जाएंगे, चूँकि पाँचवा भाव जो होता है वो एडवाइजरी का भी होता है और केतु देव एक स्पिरिचुअल ग्रह है। तो यहाँ पर बैठकर वो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी पावर दे देते हैं। आपके अंदर एक आभास आएगा इस समय जो फ्यूचर में होने वाला है, वो आपको अंदर एक आभास सा होने लगेगा। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। परंतु अगर आप स्पिरिचुअलिटी माइथोलॉजी की तरफ एस्ट्रोलॉजी की तरफ हैं, उसका उससे संबंधित कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उससे संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर ये समय भी आपके लिए अच्छा जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। तो मिथुन लग्न में अभी केतु देव कहाँ विद्यमान है देख लेते हैं हम। 3, 4, 5, 6, 7 तो मिथुन लग्न में केतु देव अभी पांचवें घर में विद्यमान है। तो इस समय केतु देव के गोचर जो कि तुला राशि में हो रहा था, उसने आपको संतान से संबंधित कष्ट दिया होगा, आपकी क्रिएटिविटी में उसने रुकावट लाई होगी, आपकी जो इंटरटेनमेंट है उसमें आपको रुकावटें आई होंगी, आप कुछ अच्छा सोचते होंगे तो उसमें आपको रुकावट आ रही होगी। परंतु अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ काम कर रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये समय भी आपका अच्छा गुजरा होगा। तो अब केतु देव जो है आपके पाँचवें घर से चौथे घर की तरफ बढ़ेंगे 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो केतु देव का विचरण चौथे घर में कुछ मामलों में अच्छा कहा जाता है, कुछ मामलों में वो खराब परिणाम देता है। क्योंकि पाप ग्रह अगर केंद्र में होते हैं तो वो अच्छा परिणाम देते हैं। इस सूत्र से अगर हम देखेंगे तो केतु देव यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम देंगे। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका घर परिवर्तन हो सकता है इस पीरियड के दौरान, और ये अच्छा भी हो सकता है। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आपका घर परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं कि आपको अपना घर परिवर्तित करना पड़ सकता है इस पीरियड में। माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, तो आप माता जी को कहिए कि स्पिरिचुअलिटी से संबंधित भागवत गीता पुराणों का थोड़ा सा पठन पाठन डेली कर लिया करें 15 से 20 मिनट, तो वो समस्या भी उनको नहीं आएगी। इसके अलावा आपके मानसिक शुद्ध इसके अलावा आपके मानसिक सुख शांति में थोड़ी सी कमी आ सकती है इस पीरियड में। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट जो होगा वो आपके लिए अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा आप, और अगर आप ट्रांसफ़र का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपका घर परिवर्तन हो सकता है। अब इसके बाद बारी आती है कैंसर लग्न यानी कि कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न में अभी केतु देव कहाँ विद्यमान है हम देख लेते हैं। तो कर्क लग्न में केतु देव अभी चौथे घर में विद्यमान है। तो चौथे घर में केतु देव ने अपने इस गोचर में आपको आपका घर का परिवर्तन कराया होगा, आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आई हो सकती है, आपके जो मानसिक सुख शांति है उसमें थोड़ी सी कमी का आपने अनुभव महसूस किया होगा। इसके अलावा
आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रांसफर का प्रयास कर रहे थे तो आपको ट्रांसफर भी मिल गया होगा। अब केतुदेव आपके चौथे घर से आपके तीसरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तीसरा घर जो कि होता है आपके एफर्ट्स का, आपके साहस का, आपके भाई बहनों का, तो केतु देव जब तीसरे घर में आएंगे तो तीसरा घर आपके साहस का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, तो वो यहाँ पर जब आएंगे तो आपके एफर्ट्स में कुछ कमी आ सकती है, आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। और अगर आप इस पीरियड के दौरान अपने हाथों से कुछ ऐसे चीज़ों का उपयोग करेंगे जिसमें हाथों का यूज़ हो रहा हो, जैसे आप अगर कुछ पुस्तक लिख रहे होंगे तो इस समय वो आपको अवश्य लाभ प्रदान करेगी। आप कोई वाद्य यंत्र बजा रहे होंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी केतु के इस ट्रांजिट में। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई ज्ञान कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का कुछ पठन पाठन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गोचर एक अच्छा गोचर साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए ये गोचर कैसा होगा। तो सिंह लग्न वालों के लिए अभी केतु देव उनके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो तीसरे घर में केतु देव बैठकर आपके एफर्ट्स में कमी ला रहे होंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास में कमी इस गोचर के दौरान देखी जा रही होगी आपके अंदर। और आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी कुछ इश्यूज या भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव भी आपका हो रहा होगा। तो केतु देव का जो ये गोचर 30 अक्टूबर 2023 को 1:33 दोपहर में होगा, तो वो आपके तीसरे घर से दूसरे घर में होगा। तो दूसरा घर आपकी वाणी का घर है, आपके धन का घर है, आपके कुटुंब का घर है। तो केतु देव का ये गोचर आपके कुटुंब के लोगों से आपका कुछ मनमुटाव करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु देव के आने के बाद आपकी वाणी जो है कुछ हार्श हो जाएगी। तो आप अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल के रखिए, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए और अपने आप को लोगों से जोड़ कर रखिए, क्योंकि केतु देव यहाँ पर आपको लोगों से काटेंगे, आपकी वाणी को हार्श बनाएंगे, आपको धन से संबंधित कुछ यहाँ पर जो है वो कमी महसूस कराएंगे। और इस तरीके से केतु देव इस दौरान आपको खाने से भी दूर करेंगे, आपको एकदम से खाने से अनिच्छा हो जाएगी, चूँकि ये घर फूड से भी रिलेटेड है। तो आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए और अपनी वाणी को थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका ये जो गोचर है वो अच्छा जाए। अब बात आती है सिंह के बाद कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न के लिए ये गोचर कैसा साबित होगा। तो कन्या लग्न वालों के लिए अभी केतु देव उनके दूसरे घर में हैं, तो केतु देव उनके दूसरे घर से पहले घर में आएंगे। तो दूसरे घर में जब केतु देव ने आपके गोचर किया तो आपको आपकी वाणी जो है आपकी थोड़ी हार्श हो गई होगी, आप लोगों से कटे कटे रहने लगे होंगे, आपके कुटुंब से आपका कुछ मन मुटाव हो गया होगा, आपको खाने से थोड़ी अनिच्छा सी हो गई होगी, इस तरीके की चीज़ें आपने इस गोचर के दौरान महसूस की होंगी या देखी होंगी। अब केतु देव आपके दूसरे घर से आपके लग्न पे आ रहे हैं, तो लग्न पे जब केतु देव आएंगे तो लग्न यानी कि आप स्वयं यानी आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, केतु देव के पास दिमाग तो होता नहीं है। तो केतु देव जब यहाँ पर लग्न में आएंगे तो आप अपने आप को लोगों से ऐसा महसूस करेंगे, आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, आप अपने को खोजने की कोशिश करेंगे इस दौरान, क्योंकि आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं इस जीवन में, आपने क्या किया है, आप क्या करने आए हैं। आपका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगेगा, आप माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, भगवान, दर्शन, इन सब की तरफ बढ़ने लगेंगे। और अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड्स में हैं तो ये गोचर आपको काफ़ी अच्छा लेके आएगा, क्योंकि ये गोचर सॉफ्टवेयर वालों के लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। इस दौरान आप अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में प्रूफ कर पाएंगे, आप कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो छिपी हुई चीज़ होती है, गुड़ चीज़ होती है। और सॉफ्टवेयर में भी जो डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं वो भी छिपी हुई चीज़ें खोज के निकालते हैं, हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो केतु देव का ये गोचर जो है आपके लग्न में आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब इसके बाद कन्या लग्न के बाद बारी आती है तुला लग्न की। तो तुला लग्न वालों के लिए अभी केतु देव आपके लग्न पे हैं। अब केतु देव कहाँ जाने वाले हैं, आपके
बारहवें घर पर जाने वाले हैं। तो केतु देव का ये जो गोचर आपके लग्न पे था, इस दौरान आप अपने आप को ढूंढ रहे होंगे, आप अपने आप को खोज रहे होंगे, आप अपनी महत्ता साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप कुछ नया खोजने का प्रयास कर रहे होंगे। और सॉफ्टवेयर वालों के लिए तो ये समय काफ़ी अच्छा निकला होगा। तो अब केतु देव आपके इस लग्न से आपके बारहवें घर पे आ गए हैं। बारहवें घर पर गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:33 पर। तो केतु देव का ये गोचर जो कि बारहवें घर पर हो रहा है, अब बारहवां घर जो होता है वो आपके आपके आइसोलेशन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, आपके घर से आपका देशाटन का होता है, मतलब फॉरेन ट्रेवल का होता है। तो केतु देव यहाँ पर आकर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इशू दे सकते हैं। आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, तो आपको हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े इसलिए आप हॉस्पिटल का चक्कर खुद ही लगा लें, जाके आप अपना एक रूटीन चेकअप कर लें, या फिर आप थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाकर वहाँ पर चाय वाय पी के चले आएँ, तो आपका जो हॉस्पिटल में चक्कर लगने वाला है वो बच जाएगा। तो कुल मिलाकर केतु देव का ये जो गोचर है बारहवें घर पर, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप योगा करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल का एक आध चक्कर ऐसे लगा देंगे, या फिर आप अगर आप मेडिकल फील्ड से ही हैं तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। या फिर अगर आप जेल से संबंधित कोई काम करते हैं, आप साइकोलॉजी का काम करते हैं, तो फिर ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। चूँकि यहाँ पर केतु देव जब आएंगे तो वो आपके अंदर एक अध्यात्म का लेके आएंगे, आपको आइसोलेशन की तरफ लेके जाएंगे, जिससे कि आप, और इस दौरान आपके लिए एक और अच्छा होगा कि आपके खर्चों में कमी आ जाएगी, क्योंकि केतु देव यहाँ पर आकर आपके खर्चों में कमी कर देंगे, और अभी तक जो आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे वो खर्चे कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिक्स रिजल्ट आएगा, अच्छा भी आएगा, ख़राब भी आएगा। ख़राब के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया, अस्पताल का चक्कर लगा जाइए, वहाँ पर जाकर गरीबों को कुछ दान कर दीजिए, चूँकि बारहवां घर दान का भी होता है, थोड़ा दान दक्षिणा कर दीजिए, अस्पताल में लोगों को मेडिसिन बांट दीजिए, अस्पताल में लोगों को खाना खिला दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए जाके, तो आपको केतु देव का ये गोचर और अच्छे परिणाम देगा। अब तुला के बाद बारी आती है स्कॉर्पियो लग्न की। तो स्कॉर्पियो लग्न में अभी जो केतु देव का गोचर है वो बारहवें घर में है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, इस दौरान आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, हो सकता है आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, आपको बीमारियों ने घेर रखा हो, और अगर आप डॉक्टर हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा जा रहा होगा, या फिर अगर आप योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए पीरियड अच्छा गया होगा, और अगर आपने इस पीरियड में दान वगैरह किया होगा हॉस्पिटल में तो भी ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा। अब आपके बारहवें घर से केतु देव आपके ग्यारहवें घर पे जा रहे हैं। ग्यारहवें घर पे जब केतु देव गोचर करेंगे आपके 30 अक्टूबर 2023 को, तो ग्यारहवें घर पे किसी भी ग्रह का गोचर या कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम ही देता है। ग्यारहवां घर जो है वो लाभ का घर होता है, तो केतु देव आपको इस घर में जब गोचर करेंगे तो आपको लाभ देंगे। अभी तक जो आपको खराब परिणाम दे रहे थे तो अभी आपको लाभ देंगे। केतु चूंकि पताका दिखाता है, तो यहाँ पर ग्यारहवां घर जो होता है वो आपके सोशल सर्किल को दिखाता है, तो आपको सरकार से कुछ सम्मान मिल सकता है, सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है, आपके सोशल सर्किल में आपका कुछ नाम हो सकता है, आपका झंडा फहर सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब स्कॉर्पियो के बाद बारी आती है धनु लग्न की। तो धनु लग्न वालों के लिए अभी केतु देव उनके 11वें घर पर विद्यमान है, तो 11वें घर पर केतु देव का यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा, आपको लाभ हुआ होगा, सरकार या आपके जो बॉसेस हैं उनसे आपको सम्मान मिला होगा, एक प्रतिष्ठा मिली होगी, एक आपको रेपुटेशन मिली होगी। और केतु देव आपके 11वें घर से आपके 10वें घर पर जा रहे हैं, तो 10वां घर आपका प्रोफेशन का घर है, और केतु देव जो है वो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 10वें घर में पाप ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, और केतु देव जो है वो पताका को दिखाते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इस गोचर के दौरान सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलने की संभावना है, आप थोड़ा प्रयासों को और बढ़ा दीजिए तो आपको सरकारी नौकरी इस गोचर के दौरान मिल जाएगी। आपके प्रोफेशन में केतु देव आपको एक पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, और आपके घर में थोड़ी सी आपको जो
मानसिक शांति है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर धनु लग्न वालों के लिए एक अच्छा गोचर कहलाएगा। इससे पहले वाला गोचर भी उनके लिए अच्छा था, ये गोचर भी उनके लिए अच्छा ही साबित होगा। वैसे भी केतु देव जो हैं वो बृहस्पति के चेले माने जाते हैं, तो वो अच्छा परिणाम ही देके जाएंगे आपको। अब धनु के बाद बारी आती है मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न वाले अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे तो कोई लग्न आए नहीं, तो अब आ गया है आपका लग्न। तो अभी केतु देव कहाँ पर हैं? अभी केतुदेव आपके दसवें घर में गोचर कर रहे हैं, और दसवें घर में केतुदेव आपके गोचर जब कर रहे थे तुला राशि में, तो उन्होंने आपको अच्छे परिणाम दिए होंगे। आपकी नौकरी में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। आपको सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं, आपका समय है, आपकी एज है, तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल गई होगी। और अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बॉसेस से आपको सम्मान मिला होगा, आपको इस दौरान आपको कुछ आपका कुछ नाम हुआ होगा, और कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित हो रहा होगा। और अब केतुदेव आपके दसवें घर से नौवें घर पे जा रहे हैं। नौवां घर जो है वो धर्म का घर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का होता है। यहाँ पर आकर केतुदेव आपको कुछ मिक्स रिजल्ट देंगे। आपका जो मन होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगने लगेगा, आप मंदिरों के दर्शन करने की तरफ उत्सुक रहेंगे। आप इस पीरियड में आप काफ़ी आध्यात्मिक हो जाएंगे, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, और ये घर भी जो है वो आध्यात्म का है, धर्म का है, ज्ञान का है, आपके नॉलेज का है, आपकी हायर एजुकेशन का है। तो आपको यहाँ पर अगर आप हायर एजुकेशन लेने की तरफ जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपका हायर एजुकेशन को काट सकता है, परंतु वो आपको आध्यात्मिक बना सकता है, आपको भगवान की भक्ति में लीन कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपको मिक्स रिजल्ट देगा। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, इसके अलावा आपको वो अच्छे ही परिणाम देकर जाएगा। अब मकर लग्न वालों के बाद बारी आती है कुंभ लग्न वालों की। तो कुंभ लग्न वालों की कुंडली में अभी केतुदेव उनके नौवें घर में विद्यमान हैं। नौवें घर में विद्यमान होकर वो उन्होंने आपको धार्मिक बना दिया होगा, स्पिरिचुअल बना दिया होगा, और इस तरीके के केतुदेव ने आपको परिणाम दिए होंगे। और अगर आप हायर एजुकेशन का प्रयास कर रहे थे तो आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही होगी, तो अब केतुदेव आपके नौवें घर से आठवें घर पर गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को। तो आठवें घर में केतु देव का जो गोचर होगा उसमें आपको कुछ इंटरनल इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आठवां घर जो होता है वो इंटरनल होता है, छुपा हुआ होता है। यहाँ पर केतु देव आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ भी करवा सकते हैं। आपके जो मैस्कुलिन या फैमिलिन ऑर्गन होते हैं उसमें कुछ इशू या कुछ बीमारी या कुछ इन्फेक्शन वगैरह होने के भी चांसेस हैं। इस दौरान अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान काफ़ी आसानी से प्राप्त कर ले जाएंगे, चूँकि केतुदेव खुद एक एस्ट्रोलॉजी का ही ग्रह है। और अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप पुलिस फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको जो है वहाँ आकस्मिक धन लाभ करवाएगा, आपको आकस्मिक कई सारे रिजल्ट अच्छे देकर जाएगा। अब बारी आती है आखिरी लग्न की, जो कि है मीन लग्न। तो मीन लग्न में अभी केतुदेव कहाँ है वो हम देख लेते हैं। तो मीन लग्न वाले जो जातक हैं उनका केतुदेव का गोचर जो अभी तक का था वो उनके आठवें घर में था। तो आठवें घर में ये गोचर आपको थोड़े से इश्यूज दे रहा होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड डॉक्टरी, अगर आप मेडिकल फील्ड पुलिस इंश्योरेंस अकाउंटेंसी इन सब फील्ड से जुड़े हुए या एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे तो ये आपको इश्यूज दे रहा होगा। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ये इश्यूज नहीं दे रहा होगा। इसके अलावा आपके जो ससुराल पक्ष है वहाँ से भी आपको इश्यूज मिल रहे होंगे इस पीरियड में। पर अब आपका जो गोचर आठवें घर से आपके सातवें घर की तरफ केतुदेव का हो रहा है। तो सातवें घर में जब केतुदेव का गोचर होगा तो सातवां घर आपके स्पाउस का है, आपके डेली इंटरेक्शन का है, आपके जो रिटेल बिजनेस का है। तो केतुदेव जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आपका जो डेली इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। आपका जो रिटेल का बिजनेस है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी।
जाएगी बिजनेस में, तो ये गोचर जो है आपके लिए अच्छा गोचर साबित नहीं होगा। अब इसके लिए उपाय ये करिए कि आप अपनी स्पाउस को बोलिए कि वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े, 10-15 मिनट के लिए भागवत गीता पुराण वगैरह का अध्ययन करना चालू कर ले। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपका डेली इंटरेक्शन, उसमें आप थोड़ा अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि केतु देव इस समय आपकी वाणी में एक कठोरता, एक हार्शपन लेके आएंगे। तो अगर आप अपनी वाणी को अच्छा रखेंगे इस दौरान, तो आपका डेली इंटरेक्शन भी अच्छा होगा। इसके अलावा आपका जो व्यवसाय था, रिटेल का बिजनेस, उसमें अगर आप केतु देव से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ देकर जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें करिए, उसके केतु देव के उपाय करिए, तो आपको ये गोचर जो है वो अच्छे रिजल्ट जाएगा, दे के जाएगा। कुल मिला के ये गोचर जो है मीन लग्न वालों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये तो हो गई केतु देव की राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को 1:33 पर जो होगी, उसके बारे में मैंने आपको अपने आज के इस वीडियो में बताया। सभी लग्न के जातकों पे इसका कैसा असर पड़ेगा वो भी मैंने आपको विस्तार से बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियां समय पर मिलती रहें। और हमारी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.analystastro.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हजारों लेख मिल जाएंगे आपको, डेली हॉरोस्कोप मिल जाएगा, और अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है तो वहाँ से आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।